फ्रेंड गुड मॉर्निंग जोहार, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे फ्रेंड। और जोहार मांती जी का चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। तो अभी गांव आने के बाद ये दूसरा दिन का वीडियो है जो कि मैं कोयनार का साग बना रही हूं। और ये मेरा वीडियो कुछ दिन पहले का है जो कि मैं अभी पोस्ट कर रही हूँ। और इधर देख सकते हैं फ्रेंड, अभी साग को बनाने के बाद घर का भी काम जल्दी जल्दी करूँगी क्योंकि हम लोग का गाँव में मंडा लगने वाला है। तो जो मंडा लगने से पहले दो चार दिन पहले ही आते हैं भोक्ता लोग। तो अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो इधर साग भी अच्छे से मैं तोड़ ली हूँ फ्रेंड। तो आप लोग मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और मेरे चैनल में आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड, अभी मैं इधर शरबत बना रही हूँ हस्बैंड जी के साथ। और ये रसना वाला शरबत है, इसीलिए कलर एकदम ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है। तभी सारे भोक्ता लोग भी आने ही वाले हैं कुछ देर में। तभी सारा काम होने के बाद नहाना धोना सबका हो गया था। तो अभी गांव आने के बाद आप लोग को पता ही है कि कितना बिजी हो जाते हैं सब कोई, और घर गांव में ज़्यादा ही काम हो जाता है। तो इधर देख सकते हैं, अभी मैं गिलास उलास पकड़ के हूँ। और इधर देख सकते हैं फ्रेंड, आ गए हैं भोक्ता लोग, जो कि हमारे आदिवासी समुदाय के लोग जानते होंगे कि गांव में जो मंडा लगता है, और जो झारखंड से देखते होंगे उनको पता होगा कि मंडा एक सुख शांति के ही लिए मतलब साल में एक बार लगता है, मई जून के महीने में ही लगता है। और इस तरह से मंडा के दो दिन पहले ही पूरा गांव-गांव में घुमा जाता है, खास करके दरवाजे दरवाजे पे। और इस तरह से मतलब पूजा पाठ होता है। और इधर देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे, सारे लोग मतलब ये पूजा में पार्टिसिपेट करते हैं। और ख़ास करके ये पूजा 15 दिन से मतलब स्टार्ट हो जाता है, उपास प्यास जो भी विधि विधान होता है सारा चीज़ वो होना स्टार्ट हो जाता है। और ये पूजा खास करके पूरा गांव का सुख शांति के लिए किया जाता है, और गांव के हर लोग ही करते हैं। तो हर जगह का लोग तो जानते होंगे, खास करके झारखंड के लोग, बहुत जगह होता है और बहुत जगह का गाँव में नहीं भी होता है। और यही वाला मतलब मंडा पूजा में मतलब आग में खूंदा जाता है। तो अभी मैं फिर आप लोग को दो दिन का बाद का फिर वीडियो दिखाऊंगी कि मंडा पूजा में क्या क्या होता है ना। तो इधर देख सकते हैं फ्रेंड, अभी तो सिर्फ घर में आने के बाद जो पूजा पाठ होता है वही सब मैं आप लोगों को कैप्चर करके दिखा रही हूँ। तो आप लोग देखिए कि किस तरह से होता है मंडा पूजा का तैयारी, जो कि दो दिन पहले से ही मतलब इस तरह से गाँव-गाँव में घूमा जाता है। Thank you.
पूरा लेट जा। और अभी हम लोग तैयार होके जा रहे हैं फ्रेंड अलका को रिसीव करने के लिए। अभी अलका हटिया स्टेशन में वो लोग का ट्रेन रुकेगी और वो लोग आ रही है उड़ीसा से, जो कि आप लोग जानते होंगे कि वो खेलने गई थी बाहर। तो ये मेरा वीडियो मतलब कुछ दिन पहले का है फ्रेंड, इसीलिए मतलब कमेंट मत कीजिएगा। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि आप लोग का गर्मी छुट्टी अभी हुआ है बोल के, तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं वीडियो अभी बाद में ही पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत भी हो गया था। और ख़ास करके क्या दिक्कत हो गया था, मेरे हस्बैंड जी का मोबाइल गुम गया था, तो मेरे हस्बैंड जी मेरा ही मोबाइल पकड़ रहे थे तो कुछ दिन से, तो उसके कारण भी मैं नहीं डाल पा रही थी। तो इधर देख सकते हैं अभी हम लोग रांची घुस गए हैं और रांची का मतलब नज़ारा बहुत ही चेंज हो चुका है। अभी हम लोग बहुत ही दिन के बाद जैसे कि टाउन घुसते हैं तो मतलब खुद रास्ता पता नहीं चलता है कि कौन सा रास्ता किधर का है, इस तरह से हो जाता है जब से ये ओवर ब्रिज सब जितना भी बन रहा है। तो इधर देख सकते हैं फ्रेंड इस तरह से एकदम पूरा भीड़ है। तो अभी तो बस जाना ही है और ट्रेन भी वो लोग का आ गई है, तो बार बार फ़ोन भी आ रहा है कि मतलब आप लोग कब आइएगा बोल के। क्या है कि सारे बच्चे तो वहाँ उतरेंगे रेणुकूट में, और अभी हम लोग इधर हटिया स्टेशन पहुंच गए हैं। तो देख सकते हैं धीरे धीरे भीड़ हो रहा है क्योंकि ट्रेन रुकी हुई है, तो सारे लोग उतर के आ रहे हैं इसीलिए ज़्यादा ही भीड़ लग रहा है। तो अभी हम लोग पहुंचते हैं फटाफट। तो देख सकते हैं फ्रेंड आप लोग कौन कौन हटिया स्टेशन आए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इधर देखिए इस तरह से मतलब गाड़ी सब लगा हुआ है, तो हम लोग का भी गाड़ी बाहर ही इधर रोकना पड़ेगा और सिर्फ हम ही लोग जाएँगे। इधर देख सकते हैं फ्रेंड स्टेशन घुसने के बाद इतना हड़बड़ी है कि मतलब कैमरा में सही से कैप्चर नहीं हो पा रहा है, इतना स्पीड चलना पड़ रहा है। और इधर देख सकते हैं फाइनली अभी पहुंच गए हैं सारे बच्चे लोग से। इधर बच्चे लोग भी सारे लोग खुश हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप लोग बहुत ही लेट कर दिए बोल के, इन लोग को दूसरा ट्रेन अभी पकड़ के जाना है, तो इसीलिए सारे लोग अभी खड़े हुए हैं। और इधर बच्चे लोग को भी इधर देख सकते हैं अलका हेलो कर रही है। तो ये लोग भी एक सप्ताह थी बाहर में, तो बच्चे लोग के साथ अभी पेरेंट्स लोग भी गए थे कुछ कुछ। और देख सकते हैं बच्चे लोग अभी दूसरा ट्रेन में चढ़ रहे हैं और अभी हम लोग चलते हैं, क्योंकि मैं भतीजी लोग को छोड़ के आ गई थी क्योंकि इतना दौड़ के आना पड़ रहा था, इसीलिए अभी छोड़ दिए थे भतीजी लोग को भी। और सर भी बोल रहे थे कि जब तक पेरेंट्स नहीं हम देखेंगे तब तक बच्चे लोग को हम छोड़ेंगे नहीं इस तरह से। तो फिर जैसे हम लोग फाइनली आए उसके बाद ही सर लोग भी चढ़ गए ट्रेन में। और इधर देख सकते हैं बच्चे लोग भी आ रहे हैं अभी लोग। और अभी आप लोग को मैं दिखाती हूँ कि सारे लोग अभी हम लोग मिल चुके हैं और हस्बैंड जी भी उधर ही वही साइड है, अभी इधर नहीं आए हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड अभी बाहर निकलेंगे हम लोग और देखिए हटिया स्टेशन का नज़ारा। अभी हम लोग हटिया स्टेशन से निकल चुके हैं फ्रेंड और बच्चे लोग जूस पकड़े हुए हैं अभी हाथ में। और इधर देख सकते हैं गर्मी इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि क्या बताएं। और इधर देखिए अभी पूरा खाली हो गया है ये जगह, तो तभी इतना ज़्यादा भीड़ था और सर लोग भी हम ही लोग का इंतज़ार कर रहे थे बोल के, वो लोग भी ट्रेन में बैठे नहीं थे। और ट्रेन ऐसे 10-20 मिनट जैसे रुकती है यहाँ। तो इधर देख सकते हैं अभी हम लोग भी गाड़ी में बैठेंगे और बच्चे लोग को तो भूख लग रहा है, खास करके अलका को भूख लग रहा है। तो अभी हस्बैंड जी बोले कि चलो अभी
चलते हैं कोई रेस्टोरेंट में भी रुकेंगे। तो इधर देख सकते हैं अभी सामान सबको भी रख दे रहे हैं डिक्की में ये लोग, और अभी दिखाऊंगी मैं आप लोग को रेस्टोरेंट में भी जाएंगे। सबसे पहले तो भूख ही लग रहा है क्योंकि हम लोग ट्रैफिक में भी फंस गए थे। और इधर देख सकते हैं फ्रेंड, अभी आने के बाद बच्चे लोग के लिए मंचूरियन और चौमीन मंगाया गया है, और मैं तो बोली कि हमको तो सबसे अच्छा छोला भटूरा ही लगता है, तो लोकेश और मेरे लिए मतलब छोला भटूरा ही आता है कहीं भी जाते हैं तो। और बच्चे लोग को तो बस इसी तरह का चटर मटर वाला ही चीज़ ज़्यादा ही लोग को पसंद आता है। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो मैं करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल में आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं आप लोग से एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। अरे बाप रे, केक रे।